सर फटता है इन चीजों को देख देख के। मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया इतने से टाइम में, मेरे साथ ही क्यों फ्रेंड्स, अभी अभी सपना ने एक वीडियो मेंशन करते हुए ये कहा कि जब उनके पहले हस्बैंड सूरज चौधरी की डेथ हो गई थी, वो कंडीशन कितना सहन करना सपना के लिए कितना ज़्यादा कठिन था। सपना कह सकते कि पूरी हॉस्पिटलाइज हो गई थी, सपना को बॉटल पे बॉटल चढ़ रहे थे, सपना को खुद का कुछ होश नहीं था। साथ में उनकी एक बेटी थी जो महज 1 साल की भी पूरी नहीं हुई थी। सब कुछ सपना को अकेले हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। सपना ने जीने की आस तक छोड़ दी थी, पर वो राजवीर ही थे जिसने सपना को फिर से ना सिखाया था। वो अंशु थी जो जिस सपना को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत अच्छे से उनको संभाला था। बट जब सेकंड टाइम राजवीर के साथ ऐसा हुआ तो अंशु के लिए बहुत कठिन था सपना को सही करना, सपना को ख्याल रखना। पर अंशु ने भी बहुत समझदारी से सपना को ध्यान रखा, सपना को जीना सिखाया। क्योंकि सपना के साथ जब पहले ही हादसा हुआ था तो सपना के ही बहुत से रिश्तेदार अपने जो थे सपना पे उंगली उठाई थी, पर जब सेकंड बार ये सब हुआ तो उनका तो मुंह मात बतौर खुल ही गया कि शायद सपना की वजह से हुआ, सपना पे कुछ मांगलिक दोष है। यहाँ तक कि अभी तक लोग ये कहते हैं कि सपना को शायद कोई मांगलिक दोष था, शायद सपना की वजह से ये हुआ। शादी के पहले अगर सपना पंडित को दिखा देती तो शायद उनके हस्बैंड के साथ ये सब कुछ ना होता। तो आप क्या कहते, क्या ये मांगलिक दोष सही में ऐसा होता है कि मतलब अगर मांगलिक दोष किसी औरत पे हो